हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर। दोस्तों, ये जो मेरे हाथ में कोल्ड ड्रिंक देख रहे हो, इसे देखकर आपके दिमाग में भी कुछ थॉट्स आए होंगे कि आखिर सर ये पीना चाहते हैं या फिर ये बांटना चाहते हैं या फिर इसे फेंकना चाहते हैं या फिर अपने सर पर डालना चाहते हैं। राइट, अब मैं आपसे बात करूंगा कि ये कोल्ड ड्रिंक मैं आज आपके सामने लेकर के बैठा हूं, तो इसे देखकर आपका मन करेगा कि यार मेरे पास भी कोल्ड ड्रिंक हो और मैं भी उसे खोलकर पी सकूं। दोस्तों, किसी चीज का जब कोई पिक्चर हमें दिखाई देता है या वो सामने हमारे होती है या हमारे मन में ख्याल आता है, तो इंग्लिश में एक वर्ड आता है वांट। और जब कभी किसी चीज को करने का मन करे या किसी चीज को लेने का मन करे या कुछ भी करने का मन करे, तो इंग्लिश में वर्ड आ जाता है वांट। आपने बचपन से सुना है, पढ़ा है अपने स्कूलों में, आई वांट। अब कई बार होता है कि हम पूछते हैं क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। राइट, घर पे यदि आप अपनी मम्मी के सामने जाकर के खड़े हो जाएं, तो मम्मी आपसे पूछेंगी, हाँ भाई व्हाट डू यू वांट, तो आप बताएंगे आई वांट ब्रेकफास्ट, आई वांट पराठा, आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, कुछ भी जो आपको चाहिए। हाँ, लेकिन किसी महिला के घर में बहुत शोर है तो वो शायद अपने पति से कहेगी आई वॉन्ट अ हाउस इन सम अदर लोकेलिटी, मुझे किसी दूसरी लोकेलिटी पे घर चाहिए। पूछेगा व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस हाउस, कहेगी यार मुझे शांति चाहिए। अब शांति काम वाली भाई नहीं, आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट पीस। लेकिन आजकल यदि हम किसी और के बारे में बात करें तो एवरीबडी वॉन्ट्स मनी, एवरीबडी वॉन्ट्स अ कंफर्टेबल हाउस, एवरीबडी वॉन्ट्स लग्जरियस कार्स, एवरीबडी वॉन्ट्स अ ब्राइट करियर। तो व्हाट डू यू वॉन्ट, आपको क्या क्या चाहिए, व्हाट ऑल डू यू वॉन्ट, क्या चाहिए आपको। अब आप अपनी विश लिस्ट बना सकते हैं, आई वॉन्ट अ शर्ट, आई वॉन्ट एन आईफोन। तो जिंदगी में जब कभी भी आपको कुछ भी चाहिए, चाहे आप घर में हैं, ऑफिस में हैं, बस में हैं, ट्रेन में हैं, आप प्लेग्राउंड में हैं, इवन आप किसी शॉपिंग मॉल में हैं, तो वहां दुकानदार आपसे पूछेगा व्हाट डू यू वॉन्ट, तो आपको बताना पड़ेगा आई वॉन्ट, आई वॉन्ट अ शर्ट, आई वॉन्ट अ जीन्स, अ पेयर ऑफ जीन्स, आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। आप मार्केट में किसी साड़ी शॉप पर हैं, आई वॉन्ट अ साड़ी, आई वॉन्ट अ लहंगा, आई वॉन्ट अ कुर्ता। घर में हैं, व्हाट डू यू वॉन्ट, आई वॉन्ट समथिंग टू ईट, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। सो व्हाट डू यू वॉन्ट, अभी हम बात कर रहे हैं जो चीज आपको चाहिए, कुछ भी। जब आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर जाएंगे, तो वहां पर यदि मैं शॉपकीपर हूं, तो ऑफ कोर्स मैं आपसे पूछूंगा व्हाट डू यू वॉन्ट, तो आप बता देंगे आई वॉन्ट एन एयर कंडीशनर, आई वॉन्ट अ माइक्रोवेव अवन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पे हमें आर्टिकल्स जरूर लगाना चाहिए, आई वॉन्ट एन एलईडी टीवी, आई वॉन्ट एन आयरन, आई वॉन्ट अ फैन, आई वॉन्ट अ वॉशिंग मशीन, आई वॉन्ट अ कूलर, आई वॉन्ट एन एयर कंडीशनर। हाँ, घर में कई सारी चीजें बनी हुई हैं, खाने में मेहमान आए हुए हैं, व्हाट डू यू वॉन्ट, आई वॉन्ट अ समोसा, आई वॉन्ट सम ढोकला, आई वॉन्ट अ बिस्किट, आई वॉन्ट सम नमकीन, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट अ कोल्ड ड्रिंक। सो जब कभी भी दिल हो, मन हो, किसी काम को करने का नहीं कर रहा अभी बस दिल कर रहा है कि मुझे ये चाहिए, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या क्या अभी चाहिए। कोई चीज आपको यदि फ्यूचर में चाहिए, तो आप तब भी कहेंगे आई वॉन्ट अ सी फेसिंग अपार्टमेंट, आई वॉन्ट अ टिकट टू स्विट्जरलैंड,
आई वॉन्ट अ टिकट टू स्विट्जरलैंड, आई वॉन्ट अ बिग कार, आई वॉन्ट माई ओन हाउस, आई वॉन्ट अ हाई पेइंग जॉब, या फिर आई वॉन्ट ए व्हाइट कॉलर जॉब, बिल्कुल एकदम बाबू जी जैसी नौकरी, आई वॉन्ट अ व्हाइट कॉलर जॉब। हाँ, किसी और के बारे में बात कहें तो आप कहना, यदि किसी और के बारे में बात करें तो आप कहेंगे ही वॉन्ट्स ए साइकिल, ही वॉन्ट्स अ रेडियो, ही वॉन्ट्स एन आईफोन, ही वॉन्ट्स अ समोसा, माय मम्मा वॉन्ट्स, माय पापा वॉन्ट्स, माय ब्रदर वॉन्ट्स, माय सिस्टर वॉन्ट्स। आप यदि मुझसे ही कहने लगे सर व्हाट डू यू वॉन्ट, तो मैं आपको बताऊंगा I want fluency from your side. I want sincerity from your side. और आप किसी और को बताएं यार अभिषेक सर को ना fluency चाहिए हमारी तरफ से, तो आप बताएंगे अभिषेक सर wants fluency from his students. So, what do you want from me? आप कहेंगे सर I want videos every day. I want new topics every day. अब cold drink. मन तो कराया होगा इतनी देर से मन कर रहा होगा, मन तो मेरा भी था कि मैं इसे पी लूं। आई वॉन्टेड पास्ट में यदि आपको वॉन्ट कहना है और पास्ट की बात करनी है तो आप कहेंगे आई वॉन्टेड। अब इसमें आपको खुद ही सोचना चाहिए कि पास्ट में आपको क्या क्या चाहिए था। आई वॉन्टेड अ बॉलीवुड करियर, मैं तो चाहता था कि बॉलीवुड में करियर बनाऊं। आई वॉन्टेड एन ऐश्वर्या, मन तेरा था कि मेरे को भी ऐश्वर्या मिले, मेरा नाम अभिषेक है यार। आई वॉन्टेड एन ऐश्वर्या, आई वॉन्टेड अ चॉपर, एक हेलीकॉप्टर भी मुझे चाहिए था अपने पर्सनल आने जाने के लिए। आई वॉन्टेड अ लॉट ऑफ मनी, राइट। तो अब पास की बात करनी हो तो आप वॉन्टेड कहेंगे। तो हमने सीख लिया आई वॉन्ट, यू वॉन्ट, ही वॉन्ट्स, और पास की बात करेंगे तो आई वॉन्टेड, ही वॉन्टेड। अब इसके अगले स्टेप पर हम अगली वीडियो में चलेंगे आज। हाँ, लेकिन जब घर पे जाएंगे तो मम्मा को बताएंगे मम्मा आज सर ने कोल्ड ड्रिंक दिखाई, आई वॉन्टेड दैट कोल्ड ड्रिंक, राइट। तो वीडियो आपको यदि पसंद आया तो इसे अभी लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।